गोविंद सिंह जी के साथ हर एक युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले और गुरु जी के लिए अपने पूरे परिवार का बलिदान देने वाले रंगरेठी गुरु के बेटे बाबा जीवन सिंह जी के 356वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज श्री अकाल तख्त साहिब में चेतना मार्च निकाला गया। पांच प्यारों के नेतृत्व में निकले इस चेतना मार्च में स्कूली बैंड और विभिन्न पार्टियों ने अपने कर्तव्य दिखाए। आज मिति 13/20/1919 बाबा जीवन सिंह जी 350वें विकास दिहाड़े से बीमा चेतना मार्च श्री अकाल तख्त साहिब तो आरंभ होया और रात्रि में राम असी फतेहगढ़ साहब गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब करांगे। 4 तरीक फतेहगढ़ साहब तो चल के मोहाली चंडीगढ़ पंचकूला में हो के गुरद्वारा नाढ़ा साहब रात्रि विश्राम करेंगे। 5 तरीक सवेरे 9 बजे तो लेकर 1 बजे तक गुरमत विचारा होंगे। इस तरह ये चेतना मार्च के सारे रूप से श्री अकाल तख्त साहब तो लेके गुरद्वारा नाढ़ा साहब तक इतिहास मुख वंडिया जाएगा बाबा जीवन सिंह जी का और नाल ही गुरु नानक साहब जी के किताबा भी मुख वंडिया जाएगियाँ। साडा मेन मिशन है कि संगत को गुरु इतिहास को जाणू करा गुरु ग्रंथ साहब जी जोड़ना, यह साडा मेन मिशन है। बाबा जीवन सिंह ट्रस्ट के चेयरमैन ने बताया कि बाबा जीवन सिंह ने गुरु गोविंद सिंह जी के साथ लगभग सभी लड़ाइयों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और इस दौरान अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया था। इतना ही नहीं, जब 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का शीश धड़ से अलग करके मुगलों ने जब दिल्ली में रख दिया था तो बाबा जीवन सिंह ने अपने पिता का शीश धड़ से अलग कर उसे गुरु जी के शीश और धड़ के साथ बदला और खुद गुरु जी की संपूर्ण देह लेकर धड़ का अपने घर में संस्कार कर दिया और गुरु जी का शीश लेकर आनंदपुर साहिब पहुंचकर गुरु गोविंद सिंह जी को भेंट कर दिया, जिस पर गुरु जी ने उन्हें रंगरेठी गुरु के बेटे का खिताब देकर नवाजा। अमृतसर से न्यूज के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।